फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा WWE फैंस ने टच किया विमेंस रेसलर्स को गलत तरीके से। तो इस वीडियो का एंड तक देखिए, तो चलिए वीडियो शुरू करता है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक काम जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, WWE हमेशा से अपने सुपरस्टार्स की सिक्योरिटी पहले देखती है कि उन्हें कोई चोट ना लगे और कोई फैन उनके ऊपर अटैक ना कर दे। पर कोई फैंस ऐसे भी होता है जो कि गलत तरीके से विमेंस रेसलर्स को टच करते हुए देखे गए हैं। आज के इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला। तो शुरुआत करते हैं हम निक्की बेला से। सुपरस्टार्स के एक एपिसोड में निक्की बेला जैसे ही एंट्रेंस कर रही थी तो एक WWE फैन वहां पर बैठा हुआ था, उसने हाई फाई किया और बाद में निक्की बेला को खींच के उनके चीक्स पर एक किस कर दिया। और निक्की बेला इसको शौक हो गई और यहाँ पर उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की और वहाँ पर वो उन्हें हंसी भी आई। नेक्स्ट है द लेजेंड द बॉस साशा बैंक्स। साशा बैंक्स ने वापसी की थी WWE में और उनकी फ्यूट शुरुआत हुई बैरी बैकी लिंच और उसकी वजह से क्लैश ऑफ चैंपियंस में इनका मैच भी सेट हुआ था बैकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स के बीच रॉ वीमेन चैंपियनशिप के लिए मैच। और उसके अंदर और इस मैच के अंदर इंसिडेंटली रेफरी को स्टील चेयर लग जाती है और वो लड़ाई करने के लिए ऑडियंस में चले जाते और लड़ाई करने के लिए ऑडियंस में चले जाते हैं। और जब भी बैकी लिंच और साशा बैंक्स बैरिकेड से आते हैं तो एक फ़ैन देखिए किस तरीके से टच करने की कोशिश करता है, यानी कि गलत जगह पर टच करने की कोशिश करता है ये फ़ैन। और उस हरकत की वजह से उस फैन को कुछ समय के बाद WWE बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। और साशा बैंक ने इसके ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था सोशल मीडिया पर और लेकिन उस फैन को WWE ने पनिश किया था और उसे अच्छा लेसन टीच किया। नेक्स्ट है एलेक्सा ब्लिस। अगस्त 2017 में एलेक्सा ब्लिस कंप्लीट कर रही थी अगेंस्ट बेली अनटेलीविजन लाइव इवेंट में। मैच के बाद जैसे ही नाया जैक्स एंड एलेक्सा ब्लिस रिंग से जा रहे थे तो वहाँ पर एक नाया जैक्स ने एलेक्सा ब्लिस को शोल्डर पर उठाया था और वहाँ पर एक यंग फैन ने एलेक्सा ब्लिस को गलत तरीके से टच किया और वहाँ से नाया जैक्स ने वहाँ पर एलेक्सा ब्लिस को साइड कर लिया। और नाया जैक्स मुड़ी और देखा कि ये तो बच्चा है, फिर वो वहाँ पर वो हंसने लगी। टेंस के बारे में एलेक्सा ब्लिस को पूछा तो एलेक्सा ब्लिस ने ये कहा नतालिया। अक्साना के अगेंस्ट मैच से पहले नतालिया जब एंट्रेंस कर रही थी जो कि फैंस के साथ वो इंजॉय करते हुए रिंग्स में एंट्रेंस कर रही थी, वो तो वहाँ पर जैसे वो फैंस के यहाँ पर पोस्ट करने जाती है तो वहाँ पर एक फैन बैठा हुआ वहाँ पर वो नतालिया के गलत जगह पर टच कर लेता है और ये उसने जान पूछ के नहीं किया था, वो गलती से टच हुआ था क्योंकि वो वहाँ पर एक बच्चा है। पर नतालिया ने वो टच को लेकिन नतालिया ने नोटिस कर लिया था और बाद में उसने वो फैन को हाई फाई किया और वहाँ से चली गई। इंसिडेंटली WWE फैन ने टच किया विमेन रेसलर को तो ये सिर्फ WWE में नहीं हुआ है, ये एक दूसरे रेसलिंग प्रमोशन में भी हुआ था। उसका नाम है जो हुआ था एक मैक्सिकन रेसलिंग कंपनी में AAA जो और उसके अंदर हमें एक 6 वुमेन्स टैग टीम मैच देखने को मिली थी और उसके अंदर इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा था और उसके अंदर WWE की सुपरस्टार स्कारलेट भी थी। स्कारलेट परफॉर्म कर रही थी क्रॉस बॉडी आउटसाइड और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्रॉस बॉडी देती है तो एक फ़ैन उन्हें पकड़ लेता है और वहाँ पर जो उनकी पार्टनर थे वो उन्हें वहाँ से लेके जाती है और बाद में स्कारलेट का रिएक्शन भी आता है ट्विटर के ऊपर और वो उनके पार्टनर को वहाँ पर थैंक्स भी कहती है। फ्रेंड्स, ये थे ऐसे WWE फैंस जिन्होंने गलत जगह पर टच किया विमेंस रेसलर्स को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना और इंस्टाग्राम पे बातचीत कर सकते हो, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।